जिंदगी में क्या होगा जब हम एक बड़ी सी मुसीबत में हो, तो क्या पवित्र परमेश्वर उसे रोकेगा? मुझे ये विचार पसंद है। पवित्र पुस्तक कहती है कि चोर आता है चोरी करने और विनाश के लिए, पर यीशु ने कहा मैं आया, और तभी वो दैवीय हस्तक्षेप मिलता है। शैतान अपनी पूरी शक्ति से विनाश करना चाहता है, और यीशु आते ही सभी बातों में हस्तक्षेप करते हैं। कहता है मैं इसलिए आया तुम्हारे जीवन में आनंद बहुतायत से हो, इतना कि वो बहकर गिरने लगे। और मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आपको जिंदगी महसूस हो रही हो कि उसमें सिर्फ है विनाश और गरीबी और चिंता और व्यग्रता, रिश्तों में समस्या और टूटा हुआ दिल, यीशु आए कि तुम जीवन का आनंद लो। आपकी सारी समस्याओं से छुटकारा नहीं भी मिला हो, जीवन का आनंद लीजिए। परमेश्वर की अर्थव्यवस्था में परमेश्वर पुनर्निर्माण का प्रभु है। आज कॉन्फ्रेंस के शुरू करते ही हमने भजन संहिता 23 में पढ़ा कि वो प्राण को पुनर्निर्माण करता है। मेरा भी मन टूटा हुआ था, मेरे पिता ने मुझे दूषित किया और मां ने मुझे त्याग दिया और सामने दिखने वाले व्यक्ति से शादी कर दी जो दूसरी औरतों में लगा रहता और आखिरकार जेल चला गया। तब तक मैं 23 की हो गई, मेरा मन बिखर गया था, मैं सही सोचना भी नहीं जानती थी, सब कुछ मेरे लिए गलत था, मेरा मनोबल कमजोर था, मैं हार मानना नहीं जानती थी, मैं स्वीकार करना भी नहीं जानती थी। मैं जो चाहती थी उसे हमेशा के लिए लड़ने को तैयार थी और उस तरह जीना कठिन हो जाता था। मैं ईमानदारी से कह सकती हूँ कि उन्होंने मेरे मन को फिर बनाया। और मैं कैसे बताऊं कि परमेश्वर के ये कि कितनी आभारी हूँ मैं मेरे जीवन में। और इतना आपसे जरूर कहूंगी कि जो परमेश्वर एक के लिए करते हैं वैसा ही वो सबके लिए जरूर करेंगे, सबके लिए करेंगे। आपको आज आगे बढ़कर उसे समझना होगा, उस पर विश्वास करना होगा कि परमेश्वर बड़ी सी बड़ी समस्या को ठीक कर सकते हैं। मुझे पसंद है यूहन्ना 4:4, हमने ईश्वर के विरोधी को हटाकर उस पर जय पाई है, शैतान पर। पहले ही शैतान को हरा दिया, शैतान को हराने नहीं जा रहे, हमने पहले ही शैतान पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बहुत बड़ा है। पवित्र पुस्तक कहती है हम उन विजेताओं से भी बड़े हैं उसके जरिए जो हमसे प्रेम करता है। अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरे विरुद्ध कौन होगा? जानते हैं जब आप परमेश्वर से जुड़ जाते हैं तो उनका लेखा जोखा अलग है दुनिया के सभी लोगों से। इस दुनिया में आपको समस्याएं हैं, समस्याएं 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 समस्याएं, विपत्तियां 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 समस्याएं, और वो सब मिलकर इतनी बड़ी मुसीबत बन जाती है। चलिए देखें ये नन्हा वही खाता है जो मैंने बनवाया परमेश्वर का लेखा जोखा दिखाने के लिए। अगर आप इसे देखेंगे तो आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहती हूं। ये सब समस्याएं हैं, कुछ जमा कुछ नहीं, कर खत्म हुए, कुल सह नहीं होता, परमेश्वर से छूट, क्षमादान, कृपा, दया, उम्मीद, विश्वास, प्रेम, शांति कुल जमा, राहत, कर भरा गया, कुछ आजादी है, पूरी बचत, आपका जीवन, आमीन। मैं उसी के बारे में सोच रही थी। जानते हैं परमेश्वर से जुड़ते ही सारा हिसाब बदल जाता है। मुझे पवित्र पुस्तक का छोटा सा वाक्य पसंद है, परमेश्वर, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूं चाहे कहीं पर कुछ भी चल रहा हो परमेश्वर के हस्तक्षेप से सब कुछ बदल जाता है। प्रेरितों के काम 7:9, हम इन्हें आपके लिए स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं, प्रेरितों के काम 7:9। और कुलपतियों ने यूसुफ से ये करके उसे मिस्र देश जाने वालों के हाथ बेचा, लेकिन परमेश्वर, सब लोग कहें लेकिन परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर यहां देखिए, परिवार का सबसे छोटा बेटा
बाकी सब भाई उससे डाहा करते थे क्योंकि अपने पिता का प्रिय था। मुझे नहीं लगता इसका मतलब है कि बाकी बच्चों से ज्यादा उसे प्यार करते, पर वो सबसे छोटा था और शायद दूसरों के मुकाबले शायद थोड़ा अधिक पाता होगा। और जानते हैं, आप सबसे छोटे हो बच्चों के दल में, तो पूरी जिंदगी शायद सुनते रहोगे कि ओ हाँ, तुम्हारे पास सब कुछ है, हमें तो मेहनत करनी पड़ी, तुम्हें तो बस सब कुछ तैयार मिल जाता है, इस तरह उस तरह ऐसे वैसे वैसे सब कुछ। आमीन। हमारा छोटे बेटा एक दिन कह दिया कि मैं पैदा होने को कैसे रोकता, मैं कुछ कह नहीं पाई। खैर, यूसुफ भी वैसा ही था, जानते हैं वो सबसे छोटा था और उसके पिता ने उसे खूबसूरत कोट दिया, और जब उसने वो पहना और उसी ने उसके भाइयों में डाह पैदा कर दी, और वो इतने नाराज हुए, गुस्सा हुए, इतनी नफरत हो गई कि वो उसे उठा ले गए और उसे दासों के व्यक्तियों के हाथ बेच दिया। उन्होंने उसके पिता से कह दिया कि उसे जंगली जानवरों ने मार डाला, कोट खून लगा हुआ था। लेकिन परमेश्वर की नजर यूसुफ पर थी और परमेश्वर ने अनुग्रह किया। कमाल है, परमेश्वर के अनुग्रह से हमारी जिंदगी बदल जाती है, और जिन्हें उस पर विश्वास होगा उन सबको अनुग्रह जरूर मिलेगा। अपने जीवन में हर रोज आप स्वीकारोक्ति कर प्रार्थना करें, मैं जहां जाऊं वहां मुझे परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर ऐसे द्वार खोलेगा कि देखकर आपका मुंह खुला रह जाएगा, आप हैरान रह जाएंगे, आपको बहुत ताज्जुब होगा। मेरे बेटे ने बताया कि पिछले हफ्तों हम पर अनुग्रह हुआ है, हम पर अनुग्रह हुआ है। अब भारत में एक महिला को उच्च अधिकारी बनाया गया है जो कि मुझे सचमुच ही पसंद करती हैं, और उन्होंने सरकार की अपने पहले नंबर के राष्ट्रीय टेलीविजन केंद्र के द्वारा भारत में हमारे लिए खोल दिए हैं, और अब भारत में काफ़ी दिख रहे हैं, भारत में काफी पहुंच बढ़ाई है। पर इस केंद्र पर जाने से लोगों तक पहुंचने की संख्या अब पहले से दोगुनी हो जाएगी। अब हम 1.2 अरब वाले भारत में 85 करोड़ तक पहुंच सकते हैं, और हम 16 भाषाओं में प्रचार कर सकते हैं। मैं ये अनुग्रह मानती हूँ, कुछ और बताना चाहूंगी आपको, ये बहुत ही बड़ी बात है। कुछ और बताती हूँ, पेंटन मिसौरी की एक महिला जिसे विवेक भी नहीं था कि कुछ 30 साल पहले वो पूरे राष्ट्र को सुसमाचार देती है, भारत में अगर परमेश्वर साथ नहीं होता, क्योंकि जब परमेश्वर अनुग्रह करते हैं तो शैतान को हटना ही पड़ता है। आमीन। लेकिन प्रभु यूसुफ ने खाई से शुरुआत की और महल तक जा पहुंचा। उसके पास मिस्र के सबसे ज्यादा अधिकारी थे फराओ को छोड़कर, और इसमें एक ही चीज मिली। अब चाहती हूं ये आप समझे, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। एक ही चीज है जो यूसुफ को समझा होगा कि अधिकार शक्तिशालियों को मिलते हैं, और उसके साथ जो घटा था उसके बाद उसने सबसे भला किया। चलिए, भी आपने मुझे नहीं सुना, मैंने एक ही बात कही कि उसने साथ भले जो भी घटा हो उसने सबके साथ अच्छा व्यवहार किया। मैंने एक ही बात कही कि उसके साथ भले जो भी घटा हो उसने सबसे भला व्यवहार ही किया। भला व्यवहार, जानते उसने और क्या किया? जहां भी वो गया उसने लोगों का भला किया। जो अपराध उसने नहीं किया उसके लिए वो 13 साल तक जेल में रहा। उसने एक बेकर और बटलर को वहां से निकाला जो बाद में बड़ी आसानी से उसे भूल गए। मैं बताऊं क्या, अगर आपके जीवन में मुसीबत है सबसे अच्छी बात होगी अच्छा रवैया रखना और सभी के साथ अच्छा बर्ताव करना। अगर आपने ये दोनों चीजें की फिर आपको शैतान बंधन में नहीं बांध सकता। आपने मुझे सुना? दोबारा मुझसे मत कहलवाओ। मैंने कहा अगर आपके जीवन में बड़ी मुसीबत है तो आपको इतना ही करना है कि रवैया अच्छा रखें, अच्छा रवैया रखें, लोगों से अच्छे से पेश आए। अगर वैसा करेंगे तो शैतान कभी आपको बांध नहीं पाएगा, वो वैसा नहीं कर सकता। और मुझे दानियेल के दोस्तों की कहानी पसंद है, शद्रक मेशक और अबेदनगो।
ओ बाप रे, हर बार ये कहानी सबसे बढ़कर होती है, बहुत उत्साहित करती है ये, जैसे एकदम से कमाल होता है। तो आपको मेरे साथ धीरज रखना होगा क्योंकि ये 1 मिनट में नहीं होगी। सबसे पहले आप किसी के दोस्तों से उसे जान सकते हैं, और दानियल के अच्छे दोस्त थे, उन लोगों में सत्यनिष्ठा थी, वचन का पालन करने वाले लोग थे, कहे अनुसार करने वाले, और वो वैसा ही करेंगे जो सही था उसे करने का पक्का इरादा रखते थे, भले ही उसके लिए उन्हें कोई भी मुसीबत क्यों न झेलनी पड़े। काश आज हमारे समाज में वैसे और लोग होते, दानियल 3 में, और हम शुरू करेंगे वचन 22 पर। हुआ ये था कि राजा ने आज्ञा दी कि सब उसे दंडवत करें, उसकी मूरत को, वे उसके अलावा किसी और को दंडवत ना करो। खैर, एक शद्रक, मीशक, अबेदनगो प्रभु की उपासना करते थे, उन्होंने कहा हम वैसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। पर राजा ने कहा और कोई गिर कर दंडवत करेगा उसे उसी घड़ी धधकते भट्टे में डाल दिया जाएगा। अब बस 1 मिनट के लिए सोचिएगा, अगर वहां धकधकता भट्टा हो और उसमें डाले जाने से बचने के लिए आपको किसी मूरत को दंडवत करना हो, मैं तो यही सोचूंगी कि हम भी दंडवंत करेंगे कि उन्होंने किया। इसलिए अब देखें कि क्या हुआ। इसलिए राजा की आज्ञा दृढ़ भी, मैं वचन 22 पढ़ रही हूं, वो भट्टा जो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धकधकाया गया, इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक, अबेदनगो को उठाया, वही आग की आंच से जल मरे, और उसी धकधकते हुए भत्ते के बीच तीनों पुरुष शद्रक, मेशक, अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ, घबरा कर उठ खड़ा हुआ और ममियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हां राजा, सच बात तो है। फिर उसने कहा, देखो तो 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे थे, उनको कुछ हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र जैसा है। लेकिन लेकिन प्रभु धकधकते भट्टे में, परमेश्वर भट्टे में उनके साथ था, और उसकी जो बात मुझे पसंद है कि ये उनके जीवन का बहुत बुरा वक्त था, और उसी समय उनके बंधन भी खुल गए। आप सोच रहे होंगे कि आपके जीवन में इतनी परेशान होने के बाद भी शायद कुछ नहीं हो रहा। कभी कभार परमेश्वर उन्हीं चीजों का इस्तेमाल आपके बंधन खोलने के लिए करते हैं, आपको आजाद करने के लिए। वो बंधे हुए गए, आजाद होकर बाहर आए। अगला पन्ना पलटे तो सुसमाचार दिया होगा कि वो जब बाहर आए, उनकी देह में आग का प्रभावन था और उनका बाल भी नहीं जला था। जानते हैं क्या, मैं असभ्यता नहीं करूंगी, पर एक मुद्दा बना जिसे मैं कहना चाहूंगी। पिछले साल मेरी समझ में आया कि जब मैं अपनी गवाही दे रही थी कि मुझे बहुत दूषित किया गया था, मेरे पिता ने मेरा शोषण किया, दूषित एक अच्छा स्वीकार्य शब्द है, मैं दूषित हुई, आप दूषित हुए, हम दूषित हुए, पर मैंने गिनकर रखा है क्योंकि मैं जानती थी कितना नियमित था और वो सब कितने दिन चला, वो सब पूरे 5 साल तक चला। मेरे पिता ने 200 बार मेरा शोषण किया था उन दिनों में। यही हैरान कर देता है कि कैसे किसी व्यक्ति में विवेक जैसी कोई चीज या जीवन का चिन्ह बच पाएगा। और फिर मैं उबर गई और मुझ में जुलझने की बू भी नहीं थी। चलो भी कोई तो शोर मचाओ, मुझ में झुलसने की बू भी नहीं थी। आप मेरी तरफ देखकर अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे, मुझसे बातें करने पर भी अंदाजा नहीं होता। अगर मैंने बताया नहीं होता तो आप नहीं जान पाते। आप सोचते होंगे कि मैं काफी पढ़ी लिखी हूं, विशेष अधिकार है जो इस जगह तक जीते जी पहुंच गई हूं। भाई, सच्चाई तो कुछ और ही है।
कॉलेज जाना चाहती थी, पर मैं कॉलेज नहीं जा सकी क्योंकि मुझे पिता से अलग होकर काम करना पड़ा। अगर बाहर निकलकर देखभाल करनी थी तो मुझे उस पर निर्भर नहीं होना था। और मेरी टीचर ने मुझे विनंती की कि मैं पत्रकारिता की धाम वृत्ति पर कॉलेज जाऊं। उन्हें पता था कि मुझ में लेखन क्षमता है, पर मैं नहीं जा सकी। तो ना मेरे पास है लेखन की डिग्री या पत्रकारिता की, ना ही मैंने कोई सबक ही पढ़ा कि पुस्तक कैसे लिखी जाए। फिर भी मैंने अपनी 90 की किताब लिखी। मैं कोई बढ़ाई नहीं करती, ये परमेश्वर की बढ़ाई है। देखिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस वक्त कहां पर खड़े हैं। अगर आपने परमेश्वर को आज्ञा नहीं दिया तो वो आपके जीवन को पूरी तरह पुनः निर्माण कर देंगे। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने पहले क्या किया है। अगर आपने परमेश्वर को आने दिया, अगर आपने अपना रवैया अच्छा रखा कि किसी के लिए आशीष बनने लगे और परमेश्वर को आने दिया, तब परमेश्वर सब कुछ ठीक कर देंगे। एकदम से आपका जीवन अच्छी तरह से बदल जाएगा। मेरा कमरा कहानियों से भरा है। शायद वैसी भी हो जिसके सामने मेरी कहानी एक जश्न न लगे। मैं इस धोखे में नहीं हूं कि सिर्फ मेरा वक्त ही इतना कठिन नहीं बीता। आप में कईयों के साथ भी हादसा वाक्या गुजरा तो होगा ही। फिर भी परमेश्वर को आप पर नाज होता होगा क्योंकि आप उनकी प्रार्थना करने आए हैं। आज आप उनके बारे में और जानना चाहेंगे। जबकि दुनिया के बहुत से चोट खाए हुए, कहीं पर नशे में खोते हुए, डूबते हुए, दुनिया का हर गलत काम किए जा रहे हैं, उनके लिए वो जवाब नहीं है। आप यहां हैं जहां पर आपको जवाब मिलेगा। लेकिन प्रभु मुझे इफिसियो पसंद है दिया है। अभी हम अपने पापों से घिरे हैं, परमेश्वर ने इकलौता पुत्र भेजा हमारे लिए मरने को। लेकिन प्रभु ने पाप, गरीबी, शोक के चक्र को हमारे जीवन में चलने से रोका। अंधेरे में रोशनी चमकी। मौत जैसे अनुभव में जीवन का प्रवेश हुआ। और परमेश्वर के आने पर सब बेमानी हो जाता है। पवित्र परमेश्वर के हस्तक्षेप से क्या होता है? उन लोगों को थोड़ा हौसला दूंगी जरूर जो परमेश्वर की सेवा न करने वालों से शादी किए हुए हैं। एक मिनट के लिए पौलुस की बात करें, जो कि आक्रामकता से मसीहियों को मारना चाहता था, पीड़ा देना चाहता था। स्टीफन की पत्थरबाजी पर भी वो बहुत आनंदित हुआ था। वो बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था। उसे घमंड की गंभीर समस्या थी। उसे अपने सभी कर्मों पर नाज था। उसके सामाजिक दल में उसका पूरा मान था और उसके धार्मिकता पर, और वो घोड़े पर सवार था जैसे पहले लोग करते थे। और वो एक से दूसरे कस्बे में जा रहा था और अचानक परमेश्वर उसे नजर आए और उसे घोड़े से गिरा दिया, अंधा कर दिया, उससे बातें की। आप जिसकी प्रेम पूर्वक प्रार्थना कर रहे हो तब उन्हें मालूम नहीं कि क्या हो जाता है, क्योंकि मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। परवाह नहीं कि वो कितने दुष्ट और आम हो और वो ईश्वर के कितने भी विरोधी हो, परमेश्वर फिर प्रकट हुए, उनकी जिंदगी एक पवित्र हस्तक्षेप से बदल जाएगी। आमीन। लेकिन प्रभु, मेरे ऑफिस से मुझे बताया गया कि सबसे ज्यादा विनंती प्रार्थना आई है लोगों द्वारा उनके प्रियजनों की प्रार्थना के लिए। कल्पना करती हूं कि लोगों का दिल बच्चों के लिए तड़पता होगा जिससे शादी हुई हो, और उनके मॉम और उनके डैड और उनकी बहनें और भाई और उनके दोस्तों के लिए, जबकि आप जानते हैं कि परमेश्वर ने कितनी संभावनाएं दिखाई हैं, फिर भी लोगों को दुखी देखते हैं और आप उन तक पहुंच नहीं पाते। दिल टूट जाता है। पर आपसे कुछ कहूंगी, प्रभु हैं, उनसे दैवीय हस्तक्षेप की प्रार्थना करें। परमेश्वर हमारे जीवन में पवित्र हस्तक्षेप करें, जो करना सिर्फ आपके लिए संभव हो। चलिए देखते हैं दो कुरंथियों सात पांच छ। क्योंकि जब हम मकदूनिया में आए
तब भी हमारे शरीर को चैन नहीं मिला। अब इसे सुनिए, परंतु हम चारों ओर से क्लेश पाते हैं। बाहर लड़ाइयां थीं, भीतर भयंकर बातें थीं, लेकिन प्रभु मुझे पसंद है, प्रभु मुझे पसंद है। बताना चाहूंगी, मुझे ये बहुत पसंद है, बताना चाहूंगी, ऐसा करती हूं तो इमारत को चला सकती हूं, लेकिन प्रभु दोनों को शांत देने वाले, उत्साहित करने वाले, उदास को खुशी देने वाले, तरोताजा करने वाले, आराम देने वाले, उत्साहित और तरोताजा खुशी दी। तीतुस के आने पर वो उदास थे, पर डूब रहा था, उन्हें डर था, उनमें भय था, वो निरुत्साहित थे, लेकिन प्रभु जानते हैं क्या, लेकिन प्रभु जब उत्साह चाहते हैं, लोग उत्साहित नहीं करें तो उन पर नाराज मत होइए। वैसे मैंने वैसा ही वर्षों तक किया, खैर मुझे उत्साहित होना था। खैर ऐसा है, लोग नहीं समझ पाते कि आपको उत्साहित करना है जब आपका उत्साहित करने का वक्त हो, और इतना ही नहीं, वो शायद खुद भी नहीं किसी से उत्साहित होने बैठे, बस कोई रविवार सुबह को गिरजा में आपको देखकर मुस्कुराए और कर प्रभु की स्तुति हो। ऐसा नहीं कि उन्हें समस्या नहीं है, मैं जानती हूं, मैं अपनी गिरजा वाली सूरत लेकर वर्षों तक गिरजा जाती रही, खैर प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, धन्यवाद यीशु, आमीन आमीन आमीन, और कार में बैठकर घर के रास्ते पर देव से झगड़ती थी। जानती हूं वो कितना कारगर है। मैंने परमेश्वर के पास जाना सीखा, प्रभु में उत्साहित होना चाहती हूं, मैं थोड़ी प्रशंसा चाहती हूँ, जो भी जरूरत हो मैं परमेश्वर के पास ले जाऊंगी और मुझे वो परलौकिक तरीके से देंगे या फिर मुझे किसी व्यक्ति के जरिए देंगे। और मैंने देव से, ये किसी दोस्त से या इससे या उससे नाराज होने की कोशिश नहीं की, जब मुझे वाहवाही नहीं देते मैं बस समस्या को बदतर बना रही थी। हमें अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए लोगों को नहीं देखना चाहिए, हमें बस परमेश्वर की ओर देखना चाहिए। परमेश्वर हमारी जरूरतें पूरी करेंगे लोगों के जरिए, पर उनकी बजाय लोगों के पास जाने पर वो नाराज हो जाते हैं। और इस सप्ताहांत किसी को आजाद करने के लिए इतना काफी है, आप बस घर की ओर बढ़िए और वहां आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, क्योंकि आप किसी से हर वक्त नाराज हैं। अपनी खुशी के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराना बंद कीजिए, बस खुश रहिए, जब तक हो सके खुश रहना सीखिए, आमीन। लेकिन प्रभु, परमेश्वर की इच्छा के लिए उपदेशक जेल में गए, पर प्रभु ने एक देवदूत भेजा और दरवाजा खोल दिया। जानते हैं आशीष में अक्सर मुसीबत ही मिली होती है, प्रभु की सेवा में सही करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है और सही परिणाम भी नहीं मिलता। जानते शद्रक, मेशक और अबेदनगो गर्म भट्टे में थे, भट्टा धधक रहा था, मतलब उसमें जाने से पहले ही था, मामला वैसे ही काफी गर्म था, और उन्होंने दंडवत करने से मना किया, जो कि एक सही चीज थी। पवित्र पुस्तक के अनुसार राजा ने भट्टे को पहले से 7 गुना गर्म करवाया। मेरे साथ सही करते समय ऐसा ही हुआ, मेरे जीवन में कितनी बार महसूस किया होगा और फिर भी लगता था कि मैं ही मुसीबत में पड़ूंगी। खैर ऐसा वक्त आए तो आप क्या करते हैं, आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं कि उसका हाथ मुझ पर है, वो सब कुछ जान रहे हैं। शायद कोई चीज है जो उन्हें आपसे करवाना हो इससे पहले कि आपको वो मौका दिया जाए, इसकी जरूरत है। यकीन मानो ना मानो, परमेश्वर ने भट्टे का इस्तेमाल किया हमारी जिंदगी के बंधन खोलने के लिए। चीजें आसानी से नहीं पनपती, और आपकी महान प्रतिक्रिया के लिए शुक्रिया। वो भट्टे में आजाद हुए थे, वो दहकते हुए भट्टे में थे जब उन्हें बंधनों से आजाद किया गया। मेरी बात कोई सुन रहा है यहाँ पर? वो सोफे पर लेटे लेटे बर्गर खाते टीवी नहीं देख रहे थे, वो भट्टे में आजाद हुए थे। वो मॉल में शॉपिंग नहीं कर रहे थे, वो भट्टे में आजाद हुए थे। कई वर्षों में मुझे समझ आया कि जिन्हें मैं अपना दुश्मन समझा करती थी, दरअसल वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त निकले। मेरी जिंदगी को शाउल ने, मेरे शाउल को निकाला। अगर आप पवित्र पुस्तक के शाउल को नहीं जानते हो, बस उस संदेश के लिए वक्त नहीं है, पर परमेश्वर हमेशा आपको उन लोगों से घेरे नहीं रखेगा जो आपकी अपेक्षा के अनुसार ही आपसे व्यवहार करेंगे। कभी कभार वो ऐसे लोगों से घेरेगा जो आपको उतना महान नहीं मानते। खैर भले ही हम किसी भी दौर से गुजरे, समझ लीजिए कि
परमेश्वर के पास हमारे कल्पना से भी बड़ी योजना हमारे जीवन के लिए मौजूद है। हमें हमारी समस्याओं और जीवन में परमेश्वर के पवित्र हस्तक्षेप के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इस पूरे हफ्ते हमने संबंध सुधारने पर विशेष जोर दिया है। दरअसल बुधवार को इस इलाके के सभी दोस्तों और सहयोगियों के लिए हमारी सेवकाई प्रार्थना करेगी। जानते हैं, अगर आपका कोई संबंधी नहीं हो तो अकेले हो जाते हैं, अगर संबंध बिगड़ गए हो तो आप दुखी होते हैं, और हमें संबंधों की जरूरत है, पर यह एहतियात बरतनी होगी कि वो सही भी हो, स्वस्थ अच्छे संबंध हो, संतुलित संबंध हो। कला को सीखिए, अब आप बाकी दिन अच्छी तरह से बिताइए। प्रभु की स्तुति हो, आपका दिन शुभ हो। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुँचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए, और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए,